Hello everyone, how are you all? I believe you all are safe and staying at home only. If you have some urgent work, then only go to market. Corona, COVID-19 virus is spreading a lot. Though in our city we are safe, but still precaution is required. So keep taking precaution and study at home. That is what we have to do now. सो आज वापस हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नए टॉपिक से जो हाउ टू लर्न सीरीज चल रहा है उसमें. तो क्या होता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें कंडीशंस के लिए बोलना पड़ता है. कंडीशन का मतलब होता है हिंदी में शर्त. अब इस स्टेज पे कैसे आए इससे पहले जस्ट आई वुड लाइक टू रिवाइज यू एंड रिमाइंड यू व्हाट वी हैव लर्न्ड ऑल द टेंसेस. ओके एग्रीड. And in all the tenses, we have seen how to make interrogative and how to answer yes and no means negative and WH interrogative done. Then we have seen imperative sentences, how to use verb to instruct, to advise, to request and all. वो भी हम लोगों ने सीख लिया. अब इसके बाद जो next कड़ी आती है, if you really want to speak in future, if you really want to write good. Speaking, writing is same thing. Only once I speak, I am using my lips, and when I am writing, I am using my hand and pen. Whatever it is, same only. बिल्कुल ही same बात है. Mind तो हमारा एक जैसे react करेगा. अगर mind react कर रहा है, तो चाहे मैं लिखूँ या बोलूँ, दोनों एक ही बात है. हिंदी में आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि आप हिंदी उतना ही लिखते हो, बराबर उतना ही बोलते हो. तो वही एक एक language आपने सीख लिया. Whether you speak or write, it is up to you. तो उसी कड़ी में आज हमें कंडीशनल सीखना पड़ेगा. अब कंडीशनल की बात मैं कर रहा था, वहाँ से थोड़ा ब्रेक करके मैं कुछ और बीच में आपको बोलता गया. होता क्या है कि हमें जीवन में शर्त वाले वाक्य की भी जरूरत पड़ती है. एग्जाम में भरना भी आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, उसको भी मैं बताऊंगा. यदि ऐसा करूँ मैं, यदि ऐसा होता, अब वगैरह वगैरह, यदि लगा दिया, काश मैं ऐसा कर पाता वगैरह वगैरह. ऐसे वाक्य अगर बोलना है या लिखना है उनके लिए हमें कंडीशनल चाहिए. इसके भी बहुत सारे फॉर्मेट बनते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे हैं भी, बट मुख्यतः जो है वो तीन है. और तीन में एक और मैंने सब सेक्शन बना दिया है, टोटल मान लो चार. चार तरह के अगर आपने सीख लिया तो काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली यू डू इट फर्दर. तो अभी आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है. तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि मैंने क्या लिखा है. तो कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब हो गया शर्त वाले वाक्य. मेनली देर आर थ्री टाइप्स, मैंने थ्री टाइप्स ही मेंशन किया है. जनरली थ्री टाइप्स ही माना जाता है, बट और भी बहुत सारे पैटर्न निकाले जा सकते हैं. पैटर्न का मतलब उसमें बहुत सारे चीज़ें थोड़ा बहुत अल्टर करके चेंज कर सकते हैं, बाकी मेनली यही रहता है. तो ओपन कंडीशन और एंड पॉसिबल कंडीशन दोनों, इसको एक प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं. मैंने आगे लिखा नहीं क्योंकि कैमरे में कवर नहीं होगा. सो ओपन कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन, इट मीन्स जो संभव है. हिंदी में बोला जाता है संभव वाले शर्त. वैसे वाले शर्त नहीं जो हम शर्त लगाते हैं, बैट. ये अपने आप से एक सिचुएशन क्रिएट करना कि यदि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो वैसा करूँगा, ऐसे टाइप वाले. उसी का सब सेक्शन बनाया मैंने नेचुरल कंडीशन, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ रहेगा, अभी देख लेंगे. फिर मैंने लिखा है इमेजनरी कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपकी लाइफ में बहुत बार सोचोगे यदि मैं हीरो होता, यदि मैं हीरोइन होती, यदि मैं ये होता, यदि मैं लेक्चरर होता वगैरह वगैरह, तो मैं ऐसा करता वैसा करता. वो सारी इमेजनरी में है. मेरी शादी उससे हो जाती वगैरह वगैरह, मीन्स प्लेंटी ऑफ इमेजिनेशन. तो आपको पता ही है कि जीवन में अगर इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं तो हमारा माइंड कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है. लेट इट बी एनी पॉइंट यू रीच विथ योर माइंड, एंड इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस दोज थिंग यू नीड ऑल दिस थिंग इमेजनरी कंडीशन. ओके डन. एंड फाइनली इम्पॉसिबल कंडीशन, क्या दुनिया में कुछ भी है इम्पॉसिबल? राइट नाउ तो देखा जाए कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन रही है, वही इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन वो भी बनेगा ही बनेगा. वी विल डू इट. लेकिन इम्पॉसिबल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पर? इसीलिए किया गया है कि ओनली वन थिंग इन द लाइफ वी कैनॉट रिकॉल और रिकलेक्ट, और उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता है, दैट इज टाइम. उस टाइम में वो जो घटना घटी या नहीं घटी, दोनों ही टाइप हो सकता है, वो वापस हम अगर चाहें अभी तो वो कर तो सकते हैं या नहीं कर सकते हैं,
लेकिन वो समय और वो दिन नहीं आएगा लौट कर। इसीलिए कि अगर मान लो कि आज मुझे कुछ करना है और मैं कोशिश करता हूँ और अगर नहीं कर पाता हूँ तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि आज के डेट और आज के टाइम में मैं वो कर नहीं पाया। जब मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा तो मैं और भी ज़्यादा आपको समझाऊँगा। लेट्स सी टुडे अबाउट द ओपन कंडीशन। तो मैं ओपन कंडीशन पहले ले लेता हूँ, उसके बाद मैं नेचुरल कंडीशन और फिलिंग दी ब्लैंक्स भी आपको बता देता हूँ आज ही, इसके कैसे आते हैं एग्जाम में। हिंदी में अगर मैं ऐसे एक लिखता हूँ, कि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है लेकिन अगर मान लो गलत हो तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे कि मैं क्या लिखना चाह रहा था। यदि आज वर्षा होगी, ऐसा भी हिंदी आपके दिमाग में आ रहा है या होती है, ऐसा भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। होगी तब तो मैं फ्यूचर के हिसाब से लिखूंगा, और होती है तो मैं प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से लिखूंगा। ऐसा अगर अभी तक जो सीखा है, मैं पिकनिक पर जाऊंगा, ऐसा मैंने वाक्य लिखने की कोशिश की है, और हिंदी बोल के बता रहा हूँ। अगर हिंदी में गलत लिखा हो तो भी कोई बात नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू राइट। सो यदि आज वर्षा होगी या होती है, बात एक ही है, मैं पिकनिक पर जाऊंगा। पिकनिक पर जाने की शर्त क्या रख दी है आपने? वर्षा होना, ठीक है। अब मैं अगर इसको लिखूं इस हिसाब से ऊपर वाली लाइन से, तो इधर भी मैं फ्यूचर सिंपल लिखूंगा, इधर भी फ्यूचर सिंपल लिखूंगा। इसके हिसाब से लिखूंगा तो इधर प्रेजेंट सिंपल लिखूंगा, इधर फ्यूचर सिंपल लिखूंगा। कोई मतलब नहीं है ये सब याद रखने का। इसीलिए जब भी आपके दिमाग में ओपन कंडीशन आ रहा है कि यदि ऐसा होगा या यदि ऐसा होता है, आपको फिर वो टेंसेस के हिसाब से वैसे नहीं सोचना, आपको कंडीशन के हिसाब से सोचना है। ये कंडीशन अगर पूरी होती है और मैं ऐसा कर पाऊंगा, वैसे कंडीशन को वी कवर इन ओपन कंडीशन। और उसके लिए बिल्कुल एक पैटर्न है, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाता है, वो तो फ्यूचर में सीखेंगे। इफ क्लॉज, ये उधर भी जा सकता है और यहाँ पे ये मेन क्लॉज, ये दो हिस्सों में इसको लिखना पड़ेगा। चाहो तो मेन क्लॉज यहां पे भी आ सकता है, और इफ क्लॉज जो कि एक्चुअली में सबॉर्डिनेट क्लॉज है। इनफैक्ट देखा जाए तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्लॉज के बारे में, कि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि यार ये सर क्या बता रहे हैं आज क्लॉज क्लॉज। मैं तो इतना सिर्फ बताऊंगा कि एक उपवाक्य है वो इफ के साथ जुड़ा होगा, और एक और उपवाक्य है वो मुख्य उपवाक्य है, इतना ही समझ लो, वाक्य ही के हिसाब समझो। तो आपके लिए ओपन है कि आप चाहो तो इफ से शुरुआत कर सकते हो और ये मेन क्लॉज इधर लिख सकते हो, या मेन क्लॉज इधर लिख के इफ क्लॉज। अब मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ, ये यहीं ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसका रूल अपन पहले ले लेते हैं कि इफ क्लॉज क्या है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल शॉर्ट में लिख देता हूँ, और मेन क्लॉज जो है आपका वो फ्यूचर सिंपल में लिखा जाएगा, ये याद रखना है, और यही एग्जाम में फिलिंग दी ब्लैंक्स में भी आता है। तो आप चाहे ये इफ क्लॉज उधर लिखो या इधर लिखो, मेन क्लॉज उधर लिखो या इधर लिखो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ कंडीशन इज ओपन, इन दैट केस यू हैव टू यूज इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल एंड मेन क्लॉज फ्यूचर सिंपल। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। अब मैं इसको ट्रांसलेशन करके आपको बताता हूँ और इसी का फिलिंग दी ब्लैंक्स बना के बता दूंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो मैं पहले इसको ट्रांसलेशन ही कर देता हूँ, उसके बाद ब्लैंक बना। सो इफ इट रेन्स, क्यों इफ क्लॉज को मेरे को प्रेजेंट सिंपल में लिखना है, ये लिख दिया मैंने, कॉमा लगाना, तो के लिए कोई देन वेन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। सो इफ इट रेन्स आई विल गो ऑन पिकनिक, ये तैयार हो गया। अब एग्जाम में क्या होगा, मान लो कि ये यहाँ पर आपको वर्ब दे दिया रेन, और ये आपका यहाँ से मिटा देता हूँ वापस में, और यहाँ पर ब्लैंक बना के दे दिया, और आपके लिए वर्ब भरने के लिए दिया रेन। आपको यहीं से देखना है, इफ के साथ ये वाला है और ये ब्लैंक है, और यहाँ पर ये फ्यूचर सिंपल है। इट्स सेल्फ शोज दैट नाउ इट इज ऑफ ओपन कंडीशन, किसका है ये, ओपन कंडीशन का है। तो बस आपको जैसे पता लग जाए ओपन कंडीशन का, मेन क्लॉज फ्यूचर में लिखा हुआ है, फ्यूचर सिंपल में, आपको यहाँ पे क्या भर देना है, प्रेजेंट सिंपल।
सो ये हो गया आपका इफ इट रेंस। अगर इधर भरा हुआ है और इधर ब्लैंक दे दें, और यहां पे मान लो कि ये दे दें आपको वर्ब गो और ये पूरा ब्लैंक खाली रहे आपका, तो अब क्या भर दोगे? आई विल गो या आई शेल गो भी भर सकते हो, ये आपका हो गया, ये बोल सकते हो। पर्पस आपको देखना है कि कहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है, अदरवाइज कुछ में भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ जा सकता है। कई बार दोनों साइड भी ब्लैंक देते हैं तो फिर देखना पड़ता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओपन कंडीशन क्या है। ओके, अब मान लो कि मेरे को नेचुरल कंडीशन का करना है, मैं हिंदी लिखता हूँ, हिंदी से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। नेचुरल कंडीशन का ले लेता हूँ, यहीं पे बिल्कुल एक ही है, थोड़ा सा फर्क है नेचुरल कंडीशन। सो नेचुरल कंडीशन का अपन ऐसे ले लेते हैं कि नेचुरल कंडीशन का ऐसे ले लेते हैं कि यदि हम नमक को पानी में मिक्स करें, मिक्स मैंने अंग्रेजी लिखा है, तो यह घुल जाएगा। बस एक मिनट में ये समझ में आ जाएगा और आज का ये कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा। तो यदि हम नमक को पानी में मिक्स करें तो ये घुल जाएगा। अब इसमें हिंदी जो भी हो, कुछ भी हो, आपको देखना कि एक कंडीशन जब पूरी हो रही है तो दूसरी कंडीशन अपने आप ही पूरी होगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। इसीलिए इसमें याद क्या रखना है आपको, इफ क्लॉज हो और मेन क्लॉज, ये दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, क्योंकि जब प्रेजेंट सिंपल हम लोगों ने किया था तब आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल नेचुरल चीज़ों के लिए होता है, प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज़ के लिए प्रेजेंट सिंपल है। बस आपको इतना ही याद रखना है और इसके हिसाब से मैं ब्लैंक बना के ही कर देता हूँ तो ट्रांसलेशन भी हो जाएगा दोनों के लिए प्रेजेंट सिंपल। सो इफ वी, और यहाँ पे मिक्स दे दिया है अंग्रेजी वर्ड जो वर्ब है, सो इफ वी मिक्स ये दे दिया, इफ वी मिक्स सॉल्ट डिजॉल्व और इट डिजॉल्व, ऐसा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लो कि ये ट्रांसलेशन के जैसा ही बना दिया है, अदरवाइज इट से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम नमक को पानी में मिक्स करें तो यह के लिए इट यूज़ कर सकते हैं, मैंने सॉल्ट ही लिया है जिससे कि आपको ज़्यादा, आप चाहो तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन बना सकते हो इट डिजॉल्व। आपने देखा इधर प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, ये मेन क्लॉज है, ये आपका इफ क्लॉज बच गया, इसको सिंपल प्रेजेंट सिंपल में भरेंगे, ये आपका हो गया मिक्स। इसका मतलब क्या सीखा कि ओपन कंडीशन में अगर आपका कंडीशन है तो एक साइड में आपको प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है किसके लिए, इफ क्लॉज के लिए, और दूसरा जो मेन क्लॉज है उसमें क्या यूज़ करना है, फ्यूचर सिंपल। और अगर नेचुरल कंडीशन में आ रहा है वही, तो दोनों साइड में आपको क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप दिस यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल अंडरस्टैंड फर्दर। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू लर्न मेनी मोर थिंग। थैंक यू फॉर द डे, कीप वॉचिंग एंड एज यूजुअल आई से टेल अदर्स ऑल्सो एंड मोटिवेट अदर्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब, सो इट शुड रीच फार एंड वाइड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।